हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी विश्वास के साथ आज से लगभग 60 साल पहले एक सिरफिरे व्यक्ति ने अपने दम पे एक छेनी और हथौड़ी लेकर एक पहाड़ को तोड़ना शुरू किया और उसका ये विश्वास रंग लाया। और ठीक 22 साल के बाद उसने पहाड़ का सीना चीड़ के रास्ता बना दिया। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। अभी इस समय एग्जैक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दशरथ मांझी द्वार गहलोर लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट उसी पहाड़ के बाहर हैं और जो रास्ता बनाया था उन्होंने, वही रास्ता आपके सामने दिख रहा है और वो पहाड़ भी दिख रहा है जिसे उन्होंने काटा था। तो ये जगह है बिहार का गया जिला है और गया जिला का ये गहलोर गाँव है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे और दशरथ मांझी के बेटे से भी बात करवाएंगे और साथ ही साथ आपको वो छेनी और हथौड़ा भी दिखाएंगे जिसका वो यूज उन्होंने किया था। तो वीडियो में बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाते हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है समाधि स्थल दशरथ मांझी जी का। दशरथ मांझी जी का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। उनकी मूर्ति आप देख सकते हैं, पीछे बनाई गई है। और हमारे साथ हैं दशरथ मांझी जी के बेटे जिनका नाम है भगीरथ मांझी जी। आइए इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जब वो पहाड़ काटना शुरू किए उस समय आप कितने साल के थे? उस समय मैं 10 साल के। 10 साल के थे। तो आखिर में क्या बात हो गया कि जो उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया? किस बात पे ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया पहाड़ काटना? वो पहाड़ काटने की वजह है ना कि हमारे पिताजी घर से लकड़ी लाने गया, हमारा माई जो खाना लेके जा रहा था तो पहाड़ में टकरा कर गागर गिर गया, खाना गिर गया। इसी वजह से हमारे पिताजी आके देखा, देख करके मैंने मरछुआ गया कि देखिए हमारा पत्नी के ये घड़ा फूटा, कितना संसार के फूटेगा। उसी रिस के मारे से उन लोग जीरगंज से छेनी हथौड़ी लाकर और पहाड़ में काम लगा दिया। अच्छा। तो 22 साल लगा। अच्छा। तो ये जो पहाड़ काट के उन्होंने रास्ता बनाया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा जनता के हुआ। अच्छा, जनता लिए बनाया। तो पहाड़ के इस तरफ हम लोग गहलोर में हैं और पहाड़ के उस तरफ कौन सा जगह है? पहाड़ के उस तरफ वीरगंज बाजार है। बाजार है। और पहले वीरगंज जाने के लिए लगभग 60-70 किलोमीटर घूर के जाना होता था। जी, बजीरगंज घूम के जाना पड़ता था। और ये पहाड़ काट के रास्ता बना देने से ये दूरी कितना हो गया? ये दूरी नज़दीक है, बहुत नज़दीक हो गया, मात्र 10 किलोमीटर है। और इससे लगभग यहाँ आसपास के लगभग 60 गांव के लोगों को फ़ायदा होता है इससे। तो इनके दशरथ मांझी जी के ऊपर एक फिल्म भी बना है, आप वो फिल्म देखे हैं क्या? हाँ, देखे एक बार। अच्छा, फिल्म में जितनी बातें दिखाई गई हैं सब सही है आपके नज़र में? नहीं, कुछ गलत भी है। अच्छा, तो फिल्म में तो थोड़ा बहुत दिखाया भी जाता है मिर्च मसाला लगा के, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि इनकी माता जी यानी कि दशरथ मांझी जी की पत्नी जा रही थी खाना लेके, तो उसी में वो गिर गई, पैर फिसला, तो उसी पे खुन्नस पे उन्होंने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सरकार की तरफ से क्या मदद कुछ मिल रहा है आपको? सरकार के मदद से तो पक्की रोड बना दिया, अस्पताल बना दिया, थाना बना दिया, स्मारक बना दिया। ये सब दशरथ मांझी जी की अंतिम इच्छा थी? हाँ, ये सब बना दिया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि एक बार वो ट्रेन मतलब कि पैदल चले गए थे दिल्ली, ये बात सही है क्या? वो पैदल गया दिल्ली, मैंने राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा। वो तो बनुआ स्टेशन है ना, वहीं से चल गया पैदले। अब जो जहाँ साँझ हो, जहाँ टिकट मास्टर लोग कहा कि यहाँ पर ही रह जाइए, वो तो कहा कि गाड़ी चल जाइए बाबा, तो गाड़ी हम नापेंगे कितना दिन लगता है। तो ट्रेन से नहीं गया, पटरिया धीरे चल गया। मतलब पूरी तरह से जुनूनी टाइप के व्यक्ति थे और उसी से आप समझ सकते हैं कि जुनूनी आदमी ही एक पहाड़ को अपने छेनी हथौड़ी से काट के तोड़ सकता है, रास्ता बना सकता है। और सरकार आपको कुछ मदद की है बताइए, कुछ आपको ज़मीन ऐसा कुछ गुजर बसर करने के लिए कुछ उपाय दिया है सरकार ने? सरकार ने तो ज़मीन दिया है। अच्छा, दिया है खेती बाड़ी करने के? हाँ, खेती बाड़ी करने के दिया है। कौन सा सरकार ने? वो नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार के राज से खुश हैं आप? अच्छा। तो दोस्तों, ये दशरथ मांझी जी के बेटे हैं और उनका जो समाधि स्थल है उसके पुजारी हैं। और अभी हम आपको अब लिए चलते हैं, दशरथ मांझी जी के नाम पे एक स्मृति भवन बन रहा है वहाँ पे, और दशरथ मांझी जी का जो घर है वो किस स्थिति में है आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए।
दोस्तों, ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे बिहार सरकार ने बनाया है ये स्मृति भवन के रूप में, म्यूजियम के रूप में, जिसमें दशरथ मांझी जी के जीवन से जुड़े हुए वस्तुएं रखे जाएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स आदि लगाए जाएंगे। और जो जिस छेनी हथौड़े का उन्होंने यूज किया था इस भीषण पहाड़ को तोड़ने के लिए, उस छेनी हथौड़े को भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो चलिए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर का कैसे क्या सीन है। तो आप देख सकते हैं कि हम अंदर आ चुके हैं और ये एंट्री है, और आप देख सकते हैं यहीं पे ये रखा जाएगा। ये अभी निर्माणाधीन है। माझी जी के बेटे साथ में हैं यहाँ पे, इनके फ्लैट पे हम लोग आए हुए हैं। और एक बात बताइए सर कि कमाई का साधन क्या है, आप लोग का व्यवसाय क्या है, रोजी रोजगार क्या है, पैसा कहाँ से? कमाई का साधन तो यही है, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ में कुछ उपज जाता है तो खाने पीने के लिए हो जाता है। बाकी पैसा के इनकम एक पैसा नहीं है हमको है। सरकार से यही कहना है कि हमारा मेहमान जो बीए पढ़ल है उसका नौकरी हो जाना, तब से सबके सुविधा हो जाएगा, बाल बच्चा के खिलाने पियाने के। कभी खेत में धान होता है, कभी नहीं होता है। दोस्तों, इनका कहना है कि सरकार ने जो दिया है जमीन खेत, उसमें वो खेत को जोत के ये लोग खाने भर का उपजा लेते हैं, और कभी कभी उपज नहीं भी होती है किसी किसी मौसम में खराब होने से। इनकम के नाम पे, पैसे की आमदनी के नाम पे कुछ नहीं है। तो इनका उम्मीद है सरकार से कि इनके मेहमान हैं, दामाद हैं, उनको कम से कम नौकरी मिल जाए, या कोई इस तरह का सरकार आर्थिक सहायता करे, पेंशन टाइप का, वृद्धा पेंशन कुछ भी हो, जो कम से कम फाइनेंशियली इनको कुछ सपोर्ट मिल सके। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रख्यात हैं, सुविख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके परिवार में उनके बेटे को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये सच्चाई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अलग बात है कि पप्पू यादव जब थे बाहर तो इनको 10,000 रुपये प्रति महीना का हेल्प करते थे, ऐसा है? हाँ, वो जो स्मारक है दशरथ मांझी के नाम पर, जो फंड आता है कि नहीं आता है वो भी हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, दशरथ मांझी के नाम से एक फंड भी बना हुआ है, उसमें अब पैसा आता है कि नहीं आता है इनको कोई खबर नहीं है? खबर नहीं है, अब खाने वाला खा जाता है। हाँ, बीच में पैसा कहाँ चला जाता है ये भी रिसर्च का विषय है। दोस्तों, ये दशरथ मांझी जी का घर है, जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा, ठीक घर वैसा ही है। अभी स्थिति कुछ खास नहीं बदली है, ठीक वही मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस, सेम टू सेम घर वैसा ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, ये फूस का घर है। और उधर जो पक्के का कुछ आप देख रहे हैं, वो इंदिरा आवास में बना गया था दशरथ मांझी जी जब जीवित थे उसी टाइम में। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं वो छेनी और हथौड़ी, वो औजार जिससे ये इतिहास रचा गया, पहाड़ को काटा गया। और ये आप देखिए दशरथ मांझी जी का कैप है, टोपी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आप तक लाता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे अगले रविवार रात के 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।